नमस्कार, नया कैट 424 भी अब हमारे पास में आ चुका है। ये पहली बार है जब हमारे स्टॉक में यहाँ पे रायपुर में कैट 424 आया है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल ही नया कैट 424 है और ये BS5 कंप्लाइंस के साथ में है। BS3 के बाद BS4 होना था, बट हम आपके लिए सीधा BS5 लेके आ रहे हैं, तो आपके पास में एक एडवांटेज होगा। इसमें लगा है कैटरपिलर का 3.6 इंजन जो कि 75 हॉर्स पावर का है, और पीक टॉर्क जो इस इंजन का है वो है 424 किलोन्यूटन। 424 मॉडल का भी नाम है और 424 किलोन्यूटन इसका पीक टॉर्क भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका फ्रंट बकेट है जो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। 1.1 क्यूबिक मीटर का ये बकेट है, 1.05 क्यूबिक मीटर का ये बकेट है, और इसमें री इन्फोर्समेंट आप देख सकते हैं पहले की जैसा दिया हुआ। इसमें ब्रांडिंग भी आप देखिए, तो काफ़ी रगेड बकेट है पहले की तरह इस मशीन में। उसके बाद जो नया चीज़ इस मशीन में आया है वो है इसका पैरेलल लिंकेज। काफ़ी कस्टमर ये हमको कहते थे कि पैरेलल लिंकेज आप लेके आइए, तो इस बार इस मॉडल में हम पैरेलल लिंकेज के साथ में आ रहे हैं, जिससे डोजिंग कैपेबिलिटी मशीन का डक वॉक आप कह सकते हैं, और लोडिंग हाइट भी इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा इस मशीन में। तो लोडिंग का जो जो इशू था वो सारा रिजॉल्व हो गया है इस मॉडल में 424 में। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं ये नया, इसका बिल्कुल ही नया लुक है मशीन का, ब्रांडिंग सामने में दिया गया है। अब एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं। ये इसका फ्यूल टैंक है और बिल्कुल ही नया नवेला कैबिन है, बहुत ही आरामदायक। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा अंदर की तरफ आए और दिखाएं कैबिन को। तो ये कैबिन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। सीट आप देख सकते हैं, 6-way एडजस्टेबल सीट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ऊपर आप देख सकते हैं ब्लू पंकेट के 2 स्पीकर भी दिए हुए हैं, फ़ैन भी है, और काफ़ी कैरी करने के लिए प्रोविज़न दिए हुए हैं। और बहुत ही जो रियर व्यू मिरर जो दिया हुआ है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है इसमें। एक बार बाहर आ जाए, अंदर चलिए, अंदर चलो। तो 1 by 1 हम इसके फीचर्स को जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी सारे स्विचेस दिए हुए हैं, और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें आप देख सकते हैं इसका माइलोमीटर है, आवर मीटर है, फ्यूल गेज इंडिकेटर है, ट्रांसमिशन टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर आप ये देखिए यहाँ पे लोडर कंट्रोल लीवर है, फिर इसका ट्रांसमिशन जो गियर लीवर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये देखिए इसका बिल्कुल भी बहुत ही आधुनिक आप कह सकते हैं स्टीयरिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है कैट ब्रांडिंग के साथ में, FNR स्विच। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नए क्लेवर में इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिरर, और व्यू जो है इस मशीन में बहुत ही शानदार मिलता है बाहर काम करने के लिए ऑपरेटर को। और ये ऑप्शन में AC केबिन भी है, ये वैसे AC केबिन का में नहीं है मशीन, स्टैंडर्ड मशीन है। ये पीछे बैकहो कंट्रोल है जिसमें आप पीछे बूम को देख सकते हैं, और बहुत ही आरामदायक सीट है। आइए अब बाहर के फीचर्स में ध्यान देते हैं। केबिन को इस बार बहुत ही अलग लुक का बनाया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी टिंटेड ग्लास इसमें दिया हुआ है, और जिससे विजिबिलिटी ऑपरेटर की बहुत अच्छी हो जाती है, मशीन का लुक भी बहुत अच्छा है। और इस बार जो इसमें जो ये गार्ड है ये अलग तरह के डिज़ाइन का दिया है जो उसको और अच्छा लुक देता है। और मशीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो हम कहते हैं बैकहो लोडर कैटरपिलर का, जो उसका बैकहो साइड होता है, और ये आप देख सकते हैं बनाना बूम है, कैट का नया लोगो इसमें आप देख सकते हैं, ये 0.76 का बकेट इसमें है, ये बकेट एक माफ़ी चाहता हूँ 0.27 का बकेट इसमें है, और सारे आप देख सकते हैं ये होजेस जो कि प्रॉपरली रूटेट किए हुए हैं, और यहाँ पे इसमें सेफ्टी प्रोविज़न भी दिया हुआ है। और पीछे से आप देखिए मशीन किस तरह से दिखता है, वेल रूटेड होजेस हैं। और इस बार इसमें जो इसका लॉक है वो थोड़ा अलग तरह का दिया गया, ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा सेफ़ आप कह सकते हैं। इंडिकेटर्स जो है अंदर की तरफ इसको रखे हो ताकि बाहर से कोई डैमेज ना हो, और अलग डिज़ाइन में दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात यह है इसमें जो वर्किंग लाइट है वो इसमें कह सकते हैं एंगल के साथ दिए हुए, जिससे ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करेगा और ऑपरेटर के लिए काम करने में बहुत आसानी होगी। टिंटेड ग्लास है जिससे हीट भी ज़्यादा अंदर इसमें नहीं आएगा। इस रियर विंडो को खोला जा सकता है और फ्रंट विंडो को भी इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑपरेटर खोल सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में इसका बैटरी बॉक्स दिया हुआ है, और इसमें कैटरपिलर की बैटरी दी हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये अभी लॉक है तो अभी ओपन नहीं कर सकते। आइए इसका इंजन हुड खोलते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान कह सकते हैं। और यहाँ पर ये स्विच है जिसको आपको सिर्फ पुश करना है, और इस तरह से ये फ्रंट हुड खुलता है, और उसके बाद आप इसे एसेस कर सकते हैं सर्विस के लिए। और यहाँ पे ये इंजन दे सकते हैं, कूलेंट स्टोरेज है, रिजर्वायर, उसके बाद ये इंजन
कैटरपिलर C3.6 इंजन इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोलिक टैंक इसका दिया हुआ है। तो सर्विस करना बहुत ही इजी है, काफ़ी स्पेस है काम करने के लिए और सारे जो चेक करने वाले पॉइंट्स हैं वो इजी एक्सेसिबल हैं, वो आप देख सकते हैं। ये फ्रंट विंडशील्ड ज़्यादा इसमें विजिबिलिटी है और इसका वाइपर, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो इसको बंद करते हैं और ये इसमें प्री क्लीनर भी दिया हुआ है जो डस्टी एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये इंजन जो है ये पिछली मशीन से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, इसमें फ्यूल की सेविंग ज़्यादा रहेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फ्यूल टैंक है, इस बार इसमें फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे रस्ट वगैरह जो आ जाता है फ्यूल में वो नहीं आएगा और जो पंप की लाइफ है, इंजन की लाइफ है, वो ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ में जो लिंक है